मैं कौशल किशोर लखनऊ से। मित्रों, प्रिय कवि नरेश सक्सेना अपने कविता संग्रह की भूमिका में लिखते हैं, लिखते क्या हैं वे प्रश्न करते हैं कि मुसीबत में कविताएं क्या साथ होंगी। मुझे लगता है यह एक उचित प्रश्न है और कविताएं हमेशा मनुष्य के जीवन के साथ रही हैं। कहा भी जाता है कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है। आज हम जिस दौर में हैं इसमें मनुष्यता के लिए यह बड़ा संकट का दौर है। हालत तो यह है कि हम अपनी सामाजिक भूमिका भी नहीं अदा कर पा रहे हैं, सामाजिकता भी हमारी खतरे में है। अगर कोई दुख की खबर हमें मिले, अगर किसी प्रियजन की मृत्यु की खबर हमें मिले, तो हालत तो ये है कि हम अपने घरों में कैद हैं, हम वहाँ शामिल भी नहीं हो सकते, उनके पार्थिव शरीर को कंधा भी नहीं दे सकते, उनकी अंतिम यात्रा में शरीक भी नहीं हो सकते। ऐसा ही दौर है। मैं समझता हूँ ये कठिन है, मुश्किल भरा दौर है, लेकिन इस दौर से हम बाहर जरूर निकलेंगे। इस दौर में मैंने कई कविताएं लिखी। आज सुबह एक दौरे मुश्किल करके एक कविता लिखी, हमारे एक प्रियजन के निधन की खबर सुनने को मिली, उसके बाद ही यह कविता मैंने लिखी। तो मैं आपको वह कविता दौरे मुश्किल आपको सुनाता हूँ। किसी के सुख में हम भले ना शरीक हों, किसी के सुख में हम भले ना शरीक हों, पर दुख में शामिल होना, अपनी संवेदना व्यक्त करना हमारा मनुष्य होना है। दोस्त के पिता के मरने की खबर आई है, दोस्त के पिता के मरने की खबर आई है, और अतीत मेरे सामने सजीव हो उठा है। वे दोस्त के पिता ही नहीं, उनमें मैंने अपने पिता की छवि देखी। वे दोस्त के पिता ही नहीं, उनमें मैंने अपने पिता की छवि देखी है, पीठ माथे पर उनके प्यार की थाप महसूस करता हूँ। पीठ माथे पर उनके प्यार की थाप महसूस करता हूँ, नहीं भूल सकता वे क्षण जब वे विदा करते, गेट तक आते और कहते कि बेटा फिर आना। उनकी प्रतीक्षारत आँखों की चमक मेरे मन में आज भी बसी है। दुख की इस घड़ी में मैं दोस्त के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। उसके दुख में अपने दुख को समाहित करना चाहता हूँ। पिता के पार्थिव शरीर को कंधा देना चाहता हूँ। उनकी अंतिम यात्रा में साथ रहना चाहता हूँ। पर मेरी दशा परकटे पंछी की तरह है। मैं चाह तो सकता हूँ पर उड़ नहीं सकता। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। सामाजिकता का यह नया दौर है। बाहर खौफ ही खौफ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस उसकी गश्त, हॉर्न बजाती, भय बरपाती, दौड़ती गाड़ियां। जानता हूँ कि घर से बाहर निकला तो डंडे, थोड़ा भी अकड़ा तो चालान FIR, फिर
कोर्ट कचहरी का चक्कर, मतलब दबोचने के लिए एक नहीं कई कई वायरस हैं, दबोचने के लिए एक नहीं कई कई वायरस हैं। दोस्त माफ करना, मैं नहीं पहुंच पा रहा। दोस्त माफ करना, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। अपने कंधे में ही मेरा कंधा समझना, अपने कंधे में ही मेरा कंधा समझना। यह समय ऐसा है जिससे घिरे हैं हम, इससे निकलना मुश्किल, इससे निकलना मुश्किल। अपने अंदर के मनुष्य को बचाना मुश्किल, अपने अंदर के मनुष्य को बचाना मुश्किल। इस मुश्किल से बाहर आना और भी मुश्किल, इस मुश्किल से बाहर आना और भी मुश्किल। यह ऐसा समय है जिससे घिरे हैं हम, इससे निकलना मुश्किल। धन्यवाद साथियों, ये कविता।